साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यीय स्क्वाड का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सहित इन खिलाड़ियों को दिया गया आराम। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए कैसी है टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड और इस स्क्वाड में दिया गया है कौन कौन खिलाड़ियों को मौका, बताएंगे आपको टीम इंडिया की स्क्वाड के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को इस T20 सीरीज में मार दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मुकाबलों की T20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है, जहां टीम इंडिया को T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। हालांकि इस दौरे की शुरुआत 3 मैचों की T20I सीरीज के साथ होगी। 3 मुकाबलों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी शायद न खेलते हुए दिखाई दे, जिनमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। वहीं इस दौरे पर टीम इंडिया एक नए कप्तान के साथ जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 सदस्यीय स्क्वाड में आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। श्रेयस अय्यर को इस बार साउथ अफ्रीका के दौरे पर टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा भारतीय स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार और आवेश खान। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।